आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। संदीप, आज हम मौजूद है राजधानी लखनऊ में हो रहे यूट्यूब चैलेंज सीजन 1, जहां पर स्टेज शोज होंगे, स्टेज परफॉर्मेंस होंगे और जहां दूर दूर से लोग परफॉर्मेंस करने के लिए कई आए। कई स्कूल के बच्चे हैं, 3 साल से लेकर 15-16 साल 18 साल तक के बच्चे जो आज स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं। यहाँ बहुत से कंटेस्टेंट खड़े हुए हैं। आपका नाम? कहाँ से आए हैं? लखनऊ से है। इस शो के सीजन 1 के बारे में आपको कैसे पता? किस चीज़ का परफॉर्मेंस करने वाले हैं? डांस का, ग्रुप डांस या इंडिविजुअल कर रहे हैं? ओके, बस क्या आपको क्या लगता है सीजन से क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी? बहुत अच्छा लग रहा है, वेट कर रहे काफ़ी देर से, अब तो परफॉर्म करेंगे, इसका पता चलेगा क्या होता है। आइए, यहाँ और भी एज ग्रुप के कुछ और भी कंटेस्टेंट हैं, आइए बात करते हैं। आज आप किस पे परफॉर्मेंस कर रहे हो? ओह वेरी नाइस। आपका? आप किस चीज़ का परफॉर्मेंस करने वाले? मिक्स। वेरी ग्रेट। आप देख रहे हैं कितने छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं जो इनमें इतना उत्साह भरा हुआ है। आज इतना कलाकार इन छोटे बच्चों को क्या आप देख कह सकते हैं इनका परफॉर्मेंस देखिए, अभी इनका जबरदस्त परफॉर्मेंस होने वाला है, वो भी हम आपको कुछ देर में दिखाएंगे। आइए हम और कुछ छोटे बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? तान्या। वेरी स्वीट नेम। आप किस गाने पे आज परफॉर्मेंस करने वाले हो? ओके, कहाँ से आइए? आपको डांस किसने सिखाया? आपकी मैम ने आपको डांस सिखाया। ओके, आपका? आपको किसने डांस सिखाया? आज आप किस गाने परफॉर्म करने वाले हो? तान्या मैम। सबसे पहले मैं तो आपको बता दूं, राजू जी बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर हैं, जिनकी अभी आने वाली फिल्म रिश्ता दबरी ऑफ टाइगर, हम बात करते हैं उस मूवी के बारे में और पहले आज जानना चाहेंगे वो शोकेस सीजन 1 में आखिर आकर उनको कैसा लगा। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो आपकी जो नेक्स्ट मूवी आ रही है रिश्ता दबरी ऑफ टाइगर, तो इसमें किस टॉपिक को लेकर फोकस? ये एक सस्पेंस थ्रिलर है और इसमें जो है जो मेल प्रोटैगनिस्ट है वो अपनी माँ के खाते सबको कैसे ढूंढेगा कैसे ढूंढेगा वो आपको दिवाली में पता चलेगा। इसमें हीरो जो है सिद्धार्थ मल्होत्रा, हीरोइन आपकी शुक्ला हसन है और काफ़ी बड़े बड़े कलाकार हैं, साथ में हमने यंग टैलेंट को भी मौका दिया और यहाँ आने का मेन पर्पज था कि हम मूवी के लिए कुछ ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो कि कुछ टैलेंट अपना दिखा है जो कि मूवी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने जब अपना ये राइजिंग स्टार्स एक हमारी एजेंसी है जिसको हमने खोला था, उसका मेन पर्पज था कि हम आर्टिस्ट को नर्चर करें, यानी कि एक जब बीज आप होते हैं तो उसको पानी देते हैं, वो चीज़ हम अब आर्टिस्ट को एक ग्राउंड लेवल से उठा के उसको एक स्टार देते हैं, ये हमारा मेन पर्पज है और इसी के लिए मैं यहाँ सर। इस YouTube सीजन 1 के थ्रू आपको संदेश देना है क्या यहाँ आने वाले बच्चों से प्रभावियों को कुछ मौका मिलेगा आगे की दिशा में? सर बिल्कुल क्यों नहीं मिलेगा, अगर इनकी परफॉर्मेंस जो है उस लेवल पे होती है तो जरूर मौका मिलेगा। एंड द बेस्ट थिंग इज कि मेरे को यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत एफर्ट कर रहे हैं कि बच्चों को और उनको इस इवेंट्स में पहले क्या होता था कि ऐसे पेरेंट्स सर आप दुनिया के तमाम शहरों में गए होंगे, लेकिन आज लखनऊ आके आपको कैसा लगा? लखनऊ के बारे में आप दो शब्द क्या कहेंगे? और लखनऊ अब बन चुका है,
मेरा अपना घर है, मैं लखनऊ से ही लखनऊ आते तो हमेशा अच्छा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल केकेडी न्यूज़ और हमारी वीडियो अपडेट्स के लिए दबाएं बेल आइकन।